गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय जब करियर के पीक पर थी तो उस वक्त उनका नाम फिल्मों से कहीं ज्यादा शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अफेयर को लेकर सुर्खियों में रहा। हालांकि 1972 में डायरेक्टर बी आर इशारा की फिल्म जरूरत से डेब्यू करने वाली रीना ने इस फिल्म में बेहद इंटीमेट सीन दिए। उस वक्त रीना फिल्मों में काम ढूंढ रही थी, ऐसे में उन्हें ये फिल्म तो मिल गई, लेकिन डायरेक्टर के कहने पर उन्हें सेमी न्यूड सीन देने पड़े थे। बी आर इशारा की फिल्म जरूरत तो कुछ खास सफल नहीं रही, लेकिन इस फिल्म में बोल्ड सीन देने की वजह से रीना जरूरत गर्ल के नाम से पॉपुलर हो गई। फिल्म में रीना रॉय ने डैनी डेंगजुम्पा और बाकी कलाकारों के साथ भी काफी इंटीमेट सीन दिए थे। इस फिल्म की कहानी रीना की असल जिंदगी से काफी मेल खाती थी। जिस तरह फिल्म में गांव से शहर आई रीना के किरदार को नौकरी और दौलत की जरूरत थी, ठीक उसी तरह रियल लाइफ में भी उन्हें उस वक्त पैसे और काम की जरूरत थी। बॉलीवुड में रीना का कोई गॉडफादर या पहचान वाला भी नहीं था कि उन्हें फिल्मों में आसानी से कोई रोल मिल जाता। ऐसे में उन्हें मजबूरी में डायरेक्टर बी आर इशारा के इशारों पर ही काम करना पड़ा। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।